तस्वीरों के माध्यम से आप एक व्यक्ति को देख पा रहे होंगे। बता दूं कि इन्हीं के 15 साल पुराने दोस्त के साथ इनकी पत्नी भाग गई अपने चारों बच्चों को लेकर, और एक तारीख को जो है इनकी पत्नी भागी थी और घर का जिया गांव का बहाना करके जो है घर से निकली थी, जिसके बाद फोन स्विच ऑफ जो है लगातार इनकी पत्नी के आ रहे हैं। और इनका कहना है कि 2 साल से इनके चक्कर का जो है इसको पता था, लेकिन काफ़ी बार जो है उसको लेकर इनके घर में लड़ाई झगड़ा भी हुआ। पूरी जानकारी इनसे जान लेंगे, क्या हुआ था, कब की बात है ये पहली तारीख को घर जा रहे थे अपने गाँव, फिर मेरे से बोला कि अभी मैं जा रही हूँ घर, तो मैंने कहा कि अभी रुक जाइयो, अभी मैं आऊंगा तब जाइयो। फिर ये 1 बजे हमारे आने से पहले निकल गई और मेरे को बताया भी नहीं। मैं वहां से आया, ये फोन स्विच ऑफ कर लिया, तो मैंने कहा कि फोन के स्विच ऑफ है। फिर मैंने भाग के आया तो यहाँ देखा नहीं है। यहाँ से मैं जहाँ बस अड्डा 2-3 जगह लगती थी वहाँ दौड़ दौड़ के देखा, कहीं नहीं मिली। फिर उसके बाद मैंने जहाँ जिससे बातें सारी रात करती थी उसके वहाँ गए, तो वहाँ उनके बोले कि अभी निकल के गया है। और वहाँ निकल के फिर अब इधर उधर ढूंढता रहा, कहीं नहीं मिली। बस उन्होंने दोनों यही पानीपत में, कहीं भी ये पानीपत में या दिल्ली और कहीं घर भी नहीं गए, सारे घर में रिश्तेदारी में सब कहीं पता करा लिया, कहीं नहीं मिल रहे। आप कह रहे हो रातों रात बातें करती थी, आपको पता था इस चीज का? हाँ पता था, मैंने पकड़ा और यहाँ कॉलोनी वाले भी पूरे जानते हैं। हाँ तब भी मैंने अभी वो अपना प्यार से चली आए, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे और वो जो कहेंगे उसका कहना मैं मानूंगा। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 हैं। कितने कितने साल के हैं? एक है बड़ा वाला लड़का 10 साल का है और लड़की है उससे 8 साल की, और उससे छोटा लड़का है 5 साल का और उससे छोटा है 3 साल का। चारों बच्चे को लेकर गई है? चारों बच्चे को लेकर गई, और सारे नए कपड़े लेके गई, पुराने एक भी नहीं लेके गई। नहीं लेके गई? पुरानी नहीं ले गई है, नए ले गई है। और जो पैसे थे वो उठा ले गई है, और जो थोड़ा बहुत। कितने पैसे थे? अब जितना हो पैसे वही रखती थी, पैसे का हमारा हिसाब कोई नहीं रहा, जितना बचे उसी पास रहता है। अच्छा, क्या नौकरी करते हो आप? मैंने भेंडर चलाता हूँ। लड़ाई वगैरह भी होती थी कभी आप लोगों? हाँ लड़ाई होती थी, जब मैंने उसे बात करते पकड़ लेता था, फोन ले लेता था, हाँ हेलो कौन बोल रहे हो, तो जब उसकी आवाज आती थी उसे पकड़ा हूँ तब उसे झगड़ा लड़ाई होती थी। कितने साल पहले, कितने साल से पता आपको ये सब? अब ये तो मेरे को तो 2 साल से एकदम क्लियर पता चला गया, और फिर मैं नहीं जानता हूँ पता हाँ। कैसे चला था? और वो तो वैसे तो यारी दोस्ती थी खाली बस, अब ये ऐसी थोड़ा ज्यादा हो गया था हाँ। कैसे पता कैसे चला था आपको? पता कैसे, मैंने उसका रात में जैसे मेरे 10 बजे मैं आपके सो जाता हूँ, फिर वो 11-12 बजे मिलाती फोन, फिर कहीं 2 बज जाएंगे 3 बज जाएंगे तब फोन काटे, तो जब कभी जब जग जाते हैं तो तुरंत जैसे छुपे देखता रहता हूँ, छुपे मोबाइल खींच लेता हूँ, मोबाइल खींचा देख उस हेलो है वो बोल रहा है। जिसकी आप बात कर रहे हैं उससे आपने कभी बातचीत नहीं की कि मेरी पत्नी को छोड़ दो? उससे बहुत पहले हमारी उससे दोस्ती थी, फरीदाबाद में काम करते थे। अच्छा हाँ, आज वही मैंने मेरा सर काट लिया। हाँ दोस्ती मतलब भगा के ले गया? नहीं पहले दोस्ती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब। अच्छा हाँ, तब फरीदाबाद में मैं काम करता था। कितने साल हो गए आपकी शादी को? हमारी शादी को 12 साल हो गए। 12 साल हो गए और 2 साल से आपको पता था? हाँ वैसे दोस्ती तो थी, मगर ये दोस्ती अभी नहीं 2 साल से पता हुई। हाँ कि ऐसी ऐसी बात है, तो उसको भी मैंने पकड़ा यहाँ पे, फिर उसके कमरे गया, फिर अपने जीजा से बात कराया कि वो बात रात रात करता तो जीजा वो खो भड़का है, तब उसके मैंने फिर उसे फोन मिला तो कहे नहीं हमारी गलती नहीं, तेरी घरवाली भी फोन मिलाती है, हम ही नहीं मिलाते हैं। हाँ कितने साल का है वो? वो हमारी से उम्र से ज्यादा है। फिर भी कितने का? अरे 40-40 से ऊपर है। अच्छा ऊपर का है, उसकी शादी भी पड़ी है? उसकी शादी नहीं, उसकी भी नहीं हुई न, उसके भाई बड़े उनसे न उनकी हुई है, नहीं हुई है, एक की हुई है खाली, तो भी वो ससुराल में रहता है। अच्छा वो घर में नहीं रहता है? नहीं रहता वो घर में, वो घर में नहीं रहता है। तो आपने कभी मार पिटाई भी करी अपनी पत्नी के साथ? मार पिटाई भी यही इसी में हुई, और तो उससे बहुत मैं उससे प्यार, कभी आपसे तंग आकर ना चली गई हो? नहीं तंग तो इसी बात तो तंग हुई कि हमको बात क्यों नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा हमसे उससे मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं, इसी बात पे वो तंग हुई है, इसी बात से? और तो कोई बात से नहीं है, यहाँ पूरे कॉलोनी वाले जानते हैं, कितना खाना मैं बनाता, ड्यूटी से आता खाना मैं बनाता, हाथ पैर अगर कोई दिक्कत आ जाए बाबू लाओ मैं मान लेता हूँ खाना बना लेता हूँ, तू बैठ जा आराम कर ले, इतना उसके मैं सेवा कर रहा था। मगर मेरे पर इतनी सेवा करने के बावजूद यहाँ किसी से कॉलोनी में बैठे किसी से पूछ ले, अगर झूठ हो तो
आज मेरे को चप्पलन से मारे हाँ, तब भी मेरे को बताओ। अगर वो इस वीडियो को देख रही है तो क्या कहना चाहोगे उससे? मैं कहता हूँ अभी चली आए, अभी सुधर जाए बढ़िया, जौन कहेगी तो मैं करूँगा। हाँ जी, आ जाए प्यार से अपना रहे और जौन बोलेगी तो करेंगे, बस खाली उससे बात करना छोड़ दे बस, अभी उसको मैं रख लूंगा, अभी उनको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए व्यक्ति है, इनका कहना है कि इनकी पत्नी जो है छोड़कर चली गई है इनको और किसी और के साथ जो है भाग गई है, जो कि इनका कहना है। और ये भी कह रहे हैं कि मेरी पत्नी वापस आ जाए, मैं उसको खुशी खुशी रखने को तैयार हूँ, जो भी वो बोलेगी मैं उसकी सारी बातें मानूंगा। और देख पा रहे होंगे घर के हालात भी देख पा रहे होंगे, मजदूरी करते हैं ये, और उसके बावजूद अपने चारों बच्चों को और अपनी बीवी को खुश रख रहे थे। लेकिन 2 साल पहले तक जो है इनको पता था कि इनकी बीवी का चक्कर कहीं चल रहा है, लेकिन इस चीज को लेकर काफी बार मारपिटाई भी हुई है दोनों की, आपस में झगड़ा झुगड़ा भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद 1 तारीख को जो है इनकी बीवी गाँव का कहकर निकली, व्यक्ति है उसके साथ जो है बता रहे हैं भाग गई है। और उनके किसी घर वाले का पता है आपको? पता जो वो युवक है उसके घर वाले का पता है, किसी लड़के के घर वाले का, भाई का? भाई उनका सबको जानता हूँ। हाँ, फिर कॉल किया आपने उनको? वो वहाँ गया नहीं है। अच्छा, कहीं वहाँ कहीं नहीं गए हैं? नहीं गया ना। तो देख पा रहे होंगे गांव भी नहीं गई है इनकी बीवी, और जो वो व्यक्ति था वो भी अपने गांव नहीं गया। इनका कहना है कि पानीपत में है या तो दिल्ली में। आपसे यही अपील करूंगी, खबर को जितना ज्यादा उसके शेयर जरूर करें।